The capacitance of two microfarad is required in an electrical circuit across a potential difference of one kilo volt. A large number of one microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. The minimum number of capacitor required to achieve this is. तो देखो हमारे पास कैसे कैपेसिटर है जिसका वैल्यू वन माइक्रोफारड और उसके अक्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है 300 ऐसे कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर आपको लगा लगाने हैं सो दैट आपको फाइनल कैपेसिटेंस कितना मिलेगा टू माइक्रोफेराइन एंड वोल्टेज कितना मिलेगा थाउजेंड ये निकालना है हमें नंबर ऑफ वन माइक्रोफेराइन कैपेसिटर्स निकालने हैं ओके okay. तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं पोटेंशियल के लिए सॉल्व कर दो पोटे आई एम इंक्रीजिंग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल कब इंक्रीज होता है जब कैपेसिटर आप लोग सीरीज में कनेक्ट करोगे तो मैंने क्या किया यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किए तो यहाँ पर देखो 300 आएगा यहाँ पर 300 हंड्रेड यहाँ पर 300 तो ये तो 900 हो जाएगा ना मुझे तो 1000 चाहिए तो मुझे और एक लगाना पड़ेगा राइट तो अगर मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं पोटेंशियल 1000 चाहिए तो वन माइक्रोफेराड के चार कैपेसिटर मुझे कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे सीरीज में तो ये पॉसिबल है कि वो थाउजेंड आ सकता है राइट ओके बट जैसे मैंने ऐसे चार कैपेसिटर कनेक्ट किए तो उसका नेट कैपेसिटी क्या हो रहा है देखो डिक्रीज हो रहा है जैसे कि इसका देखना जैसे मैंने सीरीज में, में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा ये वन माइक्रो डिवाइड बाय फोर हो जाएगा राइट वन माइक्रोफेरेट डिवाइड बाय फोर हो जाएगा इसका कैपेसिटी तो अभी मुझे वर्क करना है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अभी मेरे पास क्या है वन ये पूरा इसका इक्विवेलेंट कितना है वन बाय फोर माइक्रोफेरेट मुझे कितना चाहिए टू थाउजेंड ओल्टो तो कवर हो गया अभी क्या चाहिए टू वो टू माइक्रोफेरेट चाहिए तो अभी सारे कैपेसिटर मुझे कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में एक ग्रुप ऑफ फोर कैपेसिटर क्या करना पड़ेगा मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ा तो पैरेलल में ऐसे कितने ब्रांचेस कनेक्ट करें हम लोग सो दैट इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा टू माइक्रोफेरेट तो लेट से यम यम नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर तो हम लोग लिख सकते हैं हर ब्रांच का कैपेसिटी कितना है वन बाई फोर है राइट right? मुझे फाइनल कितना चाहिए तो सी पैरल इज इक्वल टू क्या होता है देखो यम इंटू सी होता है तो सी पैरल कितना चाहिए टू माइक्रो फेर सी कितना है मेरे पास उस ब्रांच का कैपेसिटेंस वन बाई फोर माइक्रो तो यम का वैल्यू क्या आएगा एट आएगा राइट right? तो ऐसे कितने ब्रांचेस चाहिए टोटल आठ ब्रांचेस चाहिए और हर ब्रांच में कितने कैपेसिटर है चार तो एट इंटू फोर कितना थर्टी टू ऑप्शन डी इज अ Correct one, right?